डरा नहीं पाती। सदमा खुद मायूस हो जाता है। जब स्त्री सामना करने के लिए सामने आए तो हर दुख छोटा पड़ जाता है। कुछ ऐसी स्त्रियों के संघर्ष को सलाम करता है हमारा ये शो, वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत। स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती है। हमें अपना भला देखना चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, समझदारी इसी में है कि दूसरे के झगड़े में ना पड़ा जाए। दुख तो दुनिया में हर किसी को है, इसलिए खुद की सोचो और मस्त रहो। आज की दुनिया में ऐसे हर जुमले को लोग प्रैक्टिकल होना कहते हैं, लेकिन हमारी आज की स्त्री शक्ति का ये मानना है कि ये प्रैक्टिकल होना नहीं, खुदगर्ज होना है। जिंदगी तभी महान कहलाती है जब वो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जी जाए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 70 वर्षीय भंवरी देवी ने अपनी जिंदगी के इन 70 सालों में से शायद 70 महीने भी अपने लिए नहीं जिए होंगे। महिला शक्ति जिंदाबाद। जीना है तो मरना सीखो, लड़ना सीखो। तो आइए मिलते हैं महिलाओं की मसीहा कहलाने वाली भंवरी देवी से। भंवरी जी, आप स्त्री शक्ति के मंच पर आई, वाकई में यहाँ पर रोशनी और हो गई है। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां एक बार फिर से। सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में हमें बताइए। मेरा बचपन तो, वैसे हम घुमंतू समाज के लोग हैं जी। तो मेरा बचपन तो ऐसे ही गुजरा, गांव गांव में घूमते घूमते ही। हम लोग सामान ढोने के लिए ऊंट और घोड़े रखते थे जी। उन पे सामान ला, तो वो मैं ऊंट घोड़ा चलाती थी। अरे वाह, आपके परिवार में कौन कौन था? पिताजी थे, माताजी थी और एक मैं थी। हमें ये भी पता चला कि आपका बाल विवाह हुआ। मेरा बाल विवाह हुआ, वो बाल विवाह का एक कारण था कि ऐसे एक मान्यता है कि जल्दी शादी कर दो तो बेटा हो जाएगा, तो इसलिए मेरी जल्दी शादी करी थी। मेरे भाई नहीं था इसलिए। मेरी उस उम्र 7 साल की थी। पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के जबरदस्ती बिठा के करते थे। मेरे बड़े ताऊ जी सहमत थे, मेरे पिताजी के चाचा वो और मेरे दादाजी लगते हैं वो भी सहमत थे, सारे लोग सहमत थे। बस यही था, बहुत समझ के दूसरों के हाथ में सौंप दो। शादीशुदा जिंदगी तो क्या थी मुझे पता नहीं, एहसास भी नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ। जब बड़ी हुई थोड़ी थोड़ी समझने लगी तो पिताजी को शौक था कि मैं वो गीताजी रामायण जी सुनूं, और वो गीता के अंदर बोलते हैं ना कि ऐसे कि भाई अंत समय में सुनाएगा तो उसकी मोक्ष प्राप्ति होगी। तो उस चक्कर में पिताजी पढ़े लिखे थे तो वो मुझे अक्षर ज्ञान कराते थे, और उन्होंने गीताजी ला के दी और बोला कि तुम ये पढ़ो, और उन्होंने मात्रा और ए आ के का ये उन्होंने बारकड़ी पढ़ाई थी मेरे को। तो वो पढ़ते पढ़ते फिर मैं कहीं पे भी कुछ भी कागज दिखता तो पढ़ती, लेकिन मुझे कहीं मौका नहीं मिला पढ़ने का, स्कूल जाने का। लेकिन वो मन में था कि मैं भी पढ़ूं। स्कूल के बाहर खड़ी रहती, उन बच्चों से बात करने की कोशिश करती थी, और जो जोर जोर से गिनती और बारकड़ी बुलवाते थे तो मैं बाहर बैठ के भी उनको याद करती थी। पावड़े वगैरह बुलाते थे जी। तो मैंने 10 तक पावड़े याद कर लिए स्कूल के बाहर खड़ी रह के। मात्रा का ज्ञान हुआ थोड़ा और पढ़ना सीख लिया मैंने। आप 7 साल की उम्र में शादी करके क्या आप ससुराल चली गई कि अपने घर ही रही? नहीं, ससुराल तो एक दिन के लिए गए थे। वो वहाँ देवी देवताओं को पूजते हैं ना जी। तो वो एक दिन देवी देवता पूज के आप वापस आ गए। वापस आ गए। फिर कितने बरस के बाद आप ससुराल गई? 17 साल की। और उस बीच आप अपने पति से मिली? नहीं, वो पति तो गुजर गया था, पहला पति शादीशुदा वाला। तो फिर तो दूसरी वो 10-12 साल की उम्र में गुजर गया। वो गुजर गए तो फिर आपकी दूसरी शादी करवाई गई? फिर मेरी दूसरी शादी करवाई। दूसरी शादी होती नहीं है हमारे ऐसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि वो शादी तो लड़की की एक बार ही होती है, तो शादी नहीं करवाई, मतलब ऐसे आदमी के साथ रवाना कर दिया, पल्ला गांठ लगा के उसके अनजान आदमी के साथ।
फिर जब आप 17 साल की उम्र में आप ससुराल गईं, तब वहाँ कैसा माहौल था? वहाँ माहौल ठीक नहीं था, वहाँ बहुत गरीबी भी थी, रहने के लिए मकान भी नहीं था, बिस्तर भी नहीं थे, ओढ़ने बिछाने थे, और बहुत गरीबी थी। तो आप कौन से गांव गईं? मैं श्रीनगर पंचायत में, गाँव है रामपुरा। तो अब आप रामपुरा गईं और वहाँ पर एक जज्बा आपके अंदर आया कि मैं यहाँ पर गाँव वालों को पढ़ाऊँ, तो वो जज्बा कैसे उत्पन्न हुआ आपके अंदर? वो क्या, गांव में एक तो ये था कि गांव में जो ये काल रात के काम चलते थे, फेमिन का काम चलता था, तो वहां मैं कुछ हाजरी वगैरह लिखने का काम करती थी, तो उनको लगा कि मैं बहुत बड़ी लिखी हूँ। फिर ये ट्राइसम योजना का एक कार्यक्रम आया था, तो गांव में पढ़ाने का आया था, तो 40 से 18 साल के बच्चे को, महिला को, लड़की को पढ़ाना था प्रौढ़ शिक्षा, तो उसमें मेरा नाम दे दिया और आपको प्रेरक के रूप में आपको चुना गया है पंचायत की तरफ से, और आप तो फिर मैं ट्रेनिंग में गई, पर मगर जाने के लिए मना किया था सबने कि बाहर मत जाओ, सबने विरोध किया था, सास ने, पति ने, सबने कि कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, फिर भी आप चली गई उनके? हाँ, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे मौका मिला मैं जाऊंगी। फिर वो कुछ नहीं बोले? नहीं, लड़ते गए। लड़ते गए, आप भी लड़ती गई कि मैं तो जाऊंगी। हाँ, मैं जाऊंगी, मैंने कहा कुछ भी करो मैं जाऊंगी। फिर ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंग ली, वहाँ कुछ कानून की जानकारियां थी, कुछ अपने अधिकारों की जानकारी थी, कुछ गांव में कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे प्रेरित करेंगे महिलाओं को, कैसे प्रेरित करेंगे, गांव में समाज सेवा करनी पड़ेगी, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, लोगों के दुख में काम आना पड़ेगा, तभी आपको लोग पूछेंगे। जैसे मैं पढ़ाने लगी महिलाओं को, तो महिलाओं के बहुत सारे मुश्किल में काम आने लग गई। मैं उनको, वो फेमिनी प्लान चल रहा था बच्चे नसबंदी वाला, तो उन दिनों पीट पीट के जबरदस्ती करवा रहे थे 75 में। उनको बोला था कर्मचारियों को कि तुम इतना टारगेट दोगे तभी तुम्हारी नौकरियां सुरक्षित है, नहीं तो निकाल देंगे। तो वो कर्मचारी, पटवारी और ये बीडीओ और मास्टर, ये सारे लोग जबरदस्ती पकड़ पकड़ के वो करवा रहे थे, नसबंदी करवा रहे थे। उस समय में मैंने भी महिलाओं को तैयार किया मर्जी से, मैंने कहा आप चाहती है तो मैं आपके साथ चलूंगी, उनकी सहमति से। तो ऐसे करके फिर उनको समझाया मैंने कि देखो दो बच्चे हैं तो बहुत है, अपन 2 के 3 4 के तक जाएंगे तो हमारा शरीर का भी नुकसान है और हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो कुछ महिलाओं ने मेरी बात मान के और मैं ले गई थी। मैं चाहती थी कि मतलब कुछ तो बदलाव आए, हम महिलाएं इतनी दबी हुई हैं, हर जगह दबे हुए हैं, तो कुछ तो बदलाव आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। जैसे प्रथम महिला सावित्रीबाई फुले को पढ़ा था मैंने, तो मुझे बहुत पढ़ने की इच्छा जगी। मैंने कहा एक महिला, जब रोक था इतना, जब समाज में दंड लगाते थे महिला पढ़ी तो दंड लगा दो, उस समय में भी उस महिला ने पढ़ा और प्रथम शिक्षिका बनी वो नारी, तो मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वैसे मैं भी पढ़ती थी प्रौढ़ शिक्षा में और उनको भी पढ़ाती थी। तो आपके इस जज्बे के लिए दोस्तों जोरदार तालियां। भव्य जी, जब 3 गांवों ने मिलकर आपका बहिष्कार किया, तब आपको किन मुसीबतों का सामना करना? उनको लगा कि मैं ऐसा जो जागरूकता का काम कर रही ना गांव में, तो उनको शायद ऐसा लगा था कि कहीं राजनीति में नहीं आ जाए ये महिला तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नेता लोग थे, उन लोगों ने गांव में भड़काना शुरू कर दिया कि तुम है ना इस महिला को सर पे चढ़ा रहे हो, इस महिला की तुम बात मान रहे हो, तो तुम इसकी बात मत मानो। बच्चों को बोलते थे कि तुम पढ़ने ही मत जाओ, इसका स्कूल बंद हो जाएगा। और छुआछूत इतना था, जो दलित बच्चे पढ़ने आते थे तो उनको पानी, पास में हेडपंप था लेकिन पानी नहीं पी सकते थे, वो अपने घर से पानी लाते थे या तो, या फिर मैं उनके लिए मटका रखती थी, और मैं मटका रखती थी तो 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो मुझे लगा कि मैं इतना दूर से पानी लाऊं, एक मटका से तो बच्चों को पानी नहीं पड़ेगा क्या जी। तो एक दिन पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि हमारा हक है गवर्नमेंट का हेडपंप है, तो मैंने बच्चों को बोला जाओ तुम हेडपंप में पानी पी लो, तो बच्चों ने पी लिया था। बच्चे डरते भी नहीं है, बच्चे पवित्र है। तो बच्चे गए तो उनको लगा कि ये मतलब भेदभाव खत्म करना चाह रही है, तो लोगों ने काफी विरोध किया, हेडपंप कैसे छू लिया। तो ये स्थिति देखते हुए फिर मैंने वहां प्रौढ़ शिक्षण समिति में मैंने रखा था प्रस्ताव कि अंबेडकर के बारे में गांव में थोड़ा बताया जाए, अंबेडकर को कोई जानते भी नहीं है, और 14/4/89 को ये अंबेडकर जयंती रखी थी मैंने गांव में, और इसलिए रखी थी कि भाई थोड़ा लोगों के मन में कुछ सोच समझ आए और छुआछूत कम हो, थोड़ा दलित भी समझे और दलितों को भी पता चले कि हमारा भी कोई अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, वो पूरा गांव भिड़क गया था। उस समय में माइक तोड़ दिया, बैनर फाड़ दिया, मारपिटाई करी, मेरी बेटी एक छोटी थी उसके साथ मारपिटाई करी। मैं जब तक वहां से आ रही थी, मेरे साथ गई थी जब बहुत औरतें थी, आई जब मैं अकेली थी सब औरतें भाग गई। उस समय में मुझे ऐसा लगा कि डर है लोगों के मन में, मैं इतना बुरा नहीं मान रही थी। लेकिन आपके मन में डर नहीं था? मेरे मन में डर नहीं था, मुझे लगा कि कदम रख दिया तो क्या डरना है, क्या कर लेंगे, मुझे भी नहीं पता भी मारेंगे मेरे को,
जैसे मैं घर गई तो मेरा तोड़ फोड़ कर दिया था, घर में नुकसान कर दिया था, और फिर लोग एक राय, रात को एक राय होकर के आए लोग, और आकर के मेरे सोए हुए को ऐसे मेरा ब्लाउज पकड़ के मेरे को उठाया और डेढ़ लात घोसा और मेरे खाट से नीचे पटक दिया मेरे को। आपको? और उसमें गांव के बहुत लोग थे, वो चाहते थे कि गांव में परंपरा को तोड़ रही है औरत, गांव की जो मर्यादा बनी हुई उस मर्यादा को तोड़ रही है। आपके परिवार, आपके पति, आपके बच्चे, उन पर क्या असर हुआ? मेरे परिवार बच्चों पर तो बहुत ही बुरा असर हुआ था। पति को तो मारते थे, कहीं देखते तो मारते उसको, बच्चों को पत्थर से मारते थे, स्कूल में जाते बच्चे तो रास्ते में किताबें फेंक देते थे कीचड़ में। लेकिन आपके पति ने कभी कहा कि ये जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमारा परिवार टूट रहा है? वो उसने बहुत कहा कि मारे जाएंगे तुम छोड़ दो, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप चुप नहीं रही? नहीं रही मैं। समाज सेवा करने के इस जुनून में समाज के ही कुछ दरिंदों ने भवरी देवी को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा दिया, ऐसा सदमा जो मजबूत से मजबूत शख्सियत का भी हौसला तोड़ दे, दिल ढहला दे। क्या था वो सदमा, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो रास्तों में लोगों ने उनको बेला फुसला के बिठा दिया पेड़ के नीचे और उसके साथ बलात्कार किया, 10 साल की बेटी के साथ, और वो आज तक पता नहीं कहां लापता। दोस्तों कहते हैं कि हक की लड़ाई में कई बार इंसान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरों के हक की लड़ाई में भवरी जी को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भवरी जी, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार वालों को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो उस हादसे के बारे में हमें बताइए प्लीज। इस हादसे के बारे में तो बार बार मार पिटाई तो हो ही रही थी। मैंने पहला बार हेडपंप छुआ था, पहला नियम तोड़ा था, तो जिस दिन तोड़ा था उस दिन मेरा पूरा परिवार मतलब गले मिलकर रो रहे थे कि तेरे को वापस जिंदा नहीं आने देंगे, रास्ते में मार देंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं मारेंगे, और मैं पानी भर के ले आई, किसी ने मारा नहीं। लेकिन जब मैं वापस बाहर निकली तब मेरे कपड़े फाड़ मार पिटाई करी थी। मेरे अलावा कोई हेडपंप पे जाता नहीं था, सब लोग डरते थे मार पिटाई, तो 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। मेरी बेटी भी छोटा मटका लेके 2 किलोमीटर दूर जा रही थी पानी लेने के लिए। तो रास्तों में लोगों ने उनको बेला फुसला के बिठा दिया पेड़ के नीचे और उसके साथ बलात्कार किया, 10 साल की बेटी के साथ। तो फिर मैंने गाँव के लोगों को इकट्ठा किया, मैंने कहा ये तो अन्याय, तुम सोचो कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो तुम क्या करोगे? गांव वाले मेरे को सजा दे रहे हो लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। तो बोला हम शाम को बैठेंगे, तुम तो रिपोर्ट करने मत जाओ थाने में, हम शाम को बैठेंगे और उस आदमी को गांव के तरफ से दंड लगाएंगे। तो ऐसा बैठे गांव वाले लोग जो 3 गांव इकट्ठा होकर के मुझे बहिष्कार किया गाँव से, और बोला कि जो इससे बात करेगा उसको 1100 रुपया दंड लगाया, मेरे से कोई बात भी करे तो 1100 का दंड। मेरे को दुकान से सामान लेना बंद कर दिया, माचिस भी चाहिए तो हम दूसरे गांव जा, आटा पिसाना बंद कर दिया था चक्की वाले ने, हम कहीं निमटने भी जावे, हम सोच के लिए भी जावे तो उनकी जमीन थी तो वहां भी हमको पत्थर से मार देते। मैंने विरोध किया लेकिन मेरा किसी ने सुना नहीं। जो महिलाएं जिनके साथ आप काम करती थी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा? एक गांव पूरा एक कास्ट का था और उसमें 40-50 दलितों के घर थे, तो वो अलग अलग कास्ट के दलित थे, कोई चरमकार था, कोई झाड़ू वाला था, कोई ढोल बजाने वाला था, तो अलग अलग जाति के लोग थे, तो सब अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे, डर गए थे सब कि मतलब ये हमारी जाति का मामला नहीं है, तो उस जाति वाले को मारा, ऐसा करके उनको अलग कर दिया उन लोगों ने। तो इस हादसे का आपकी बेटी के ऊपर क्या असर हुआ? मेरी बेटी के ऊपर असर तो क्या बताऊं आपको, कि वो माइंड डिस्टर्ब हो गई और वो आज तक पता नहीं कहां लापता हुई। मैंने उसकी बॉडी भी नहीं देखी, उसका बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ा। फिर मेरे पति को लगा कि मार देंगे हम सबको, तो गांव छोड़ के निकल गया अकेला, और मैं कैसे रहूंगा, मैं किसके साथ रहूं, क्या करूं? वो हादसे से डर गई थी भयंकर। वो क्या कि फिर किसी को भी मारती थी ऐसे ऐसे, उसको एक क्षण के लिए ऐसे वो आता था उसका दोहरा, उसको एक क्षण के लिए तो सबको पत्थर से मारती थी, फिर वापस कहती थी मैं नहीं मारूंगी आपको, है ना, मैं पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि मैं मारूं, पकड़ के डॉक्टर को भी दिखाया था,
डॉक्टर ने कहा दिमाग तो ठीक ही है, फिर मेरे को वो ऐसे भागते फिरते थे तो फिर कई लोग पीछे भागते थे उसको पकड़ने के लिए अकेले, और लड़के घूमते थे तो कोई भी उसको बेला फुसला के इस्तेमाल करते थे। तो फिर वो जहाँ जाती वहीं लोग पीछे भागते थे, तो उसका दिमाग ज्यादा ही होता गया। जिन वैश्यों ने आपकी बेटी के साथ ये कुकर्म किया, उनको सजा हुई? ना, उनके मैं केस दर्ज नहीं करा सकी क्योंकि समय लंबा निकल गया था, सबूत नष्ट हो गया था। मारपीट करी ने उसको जी, और उसके साथ जबरदस्ती हुई, उसके सर फोड़ा हुआ था, खून आ गया था सर में, तो वो कपड़े वपड़े जला के सर में ठोंस दिए थे उसके। वो ऐसे हादसे से वो मतलब निकल के भागने लग गई फिर घर से भी। वो जहाँ जाती थी वहां भी, जहाँ कहीं पे भी अकेली लड़की भागती तो 10 मुंडे पीछे भागते हैं, तो ऐसे कई कई लोग उसको मतलब इस्तेमाल करने लग गए। तो मैं इतनी हैरान हो गई, तो फिर मैंने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया, उस बेटी के खिलाफ, और उसको मैंने 6 महीने तक जेल में रखा। मैंने कहा शायद ये घटना तो नहीं होगी उसके साथ, बेटी को सजा करी मैंने। आपने? मैंने उसको जेल भेजा क्योंकि मैं इसे रोक नहीं पा रही, ये भाग रही, और इसके साथ इतने लोग पीछे भाग रहे हैं तो कैसे रोकूं मैं इसको। पुलिस को बताया था पूरी परिस्थिति, तो अच्छा था पुलिस वाला, उसने कहा कि मैं ऐसे रिपोर्ट दर्ज करके इसको अंदर भेज देता हूँ। तो वो जो पल जब आपने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी बेटी को खुद जेल भिजवाऊंगी ताकि वो सुरक्षित रहे, ये बहुत ही कठिन। घर आके बेहोश हो गई थी मैं उसको छोड़ के, ऐसे बताया था उसको, तो बेटा तेरे को है ना ये सिलाई सिखाएंगे, मैं एक सेंटर में भेज रही हूँ तेरे को, ऐसा करके भेजा था मैंने। वहाँ कोई किसी ने शिकायत नहीं करी कि तुम्हारी बेटी हमको पत्थर से मार रही है, सारी महिलाएं उनको बड़े प्यार से रखती थी, और उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी लिख के भेजी किसी ने, पढ़ी लिखी लड़की ने, कि तुम कैसी माँ हो कि तुमने अपनी बेटी को बेगुनाह को तुमने सजा करवा दी। वो लड़कियों ने लिखा कि मैं तो, मेरी आदत पड़ गई थी जेब काटने की, इसलिए मुझे जेल हुआ, लेकिन इसने तो कोई अपराध भी नहीं करा, फिर आपने इसको जेल भेज दिया, आप कैसी माँ हो, इतना एक पोस्ट कार्ड भेजा था मेरे को लिख के, और आप माफ कर दो अपनी बेटी को और आप यहाँ से ले जाओ वापस। फिर उन्होंने यहाँ हमारे जो थाना लगता है उस थाने में उन्होंने खबर भेजी कि हम इसको भेज रहे हैं, कांस्टेबल आई थी साथ में। तो जब वो घर आई उस समय उसकी स्थिति क्या थी? बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी कि मुझे कहीं वापस जेल नहीं भेज दे। वो बार बार मेरे पांव पकड़ रही थी, मम्मी मुझे अब जेल मत भेजना, मम्मी मुझे जेल मत भेजना, मैं अब नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। भाभी जी, अगर ऐसा हादसा किसी भी औरत के साथ होता है तो वो तो एकदम अंदर से बिखर जाती है, टूट जाती है, लेकिन आप एकदम मजबूत होकर फिर भी इन परिस्थितियों के बावजूद भी खड़ी रही, तो वो ताकत, वो हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? जितना हम झेलते हैं ना उतना ही ताकत बढ़ती है अंदर से कि हमारे साथ क्यों हुआ। मेरा ये भी मानना है कि जितना महिलाओं के साथ जितनी भी घटनाएं घट रही है तो कभी बदलाव आएगा तो उन्हीं की वजह से ही आएगा, क्योंकि उनके अंदर वो आग है, उन्होंने झेला है, जैसे मेरे अंदर आग पैदा होती गई, मुझे लगा मैं लड़ूंगी। मैं महिला संगठन से जुड़ी थी, समूह से, और वो महिलाएं प्रगतिशील महिलाएं थी और संकटग्रस्त महिलाओं के साथ काम करती थी, और वो उनका शहरी बैकग्राउंड था, वो शहर की महिलाओं की हेल्प करती थी जी। लेकिन मेरा अलग था, मैं ऐसे गांव में ऐसे औरतें ढूंढ रही थी, ऐसे पता कर रही थी कोई मेरे जैसी और कोई पीड़ित महिलाएं। तो जब हम, मेरे को जो ये फोर फाउंडेशन से जो अवार्ड मिला था, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, उस अवार्ड की वजह से थोड़ी और मेरे में थोड़ी जान फोंक दी, मुझे लगा कि इन पैसों से मैं गांव में जाकर के महिलाओं से। तो आपको जो अवार्ड मिला उसमें आपको पुरस्कार के तौर पर पैसे भी मिले? पैसे मिले, तो वो पैसे मैंने महिला समूह को दे दिए। ये मेरे को अवार्ड है ना जो सेलर एडम्स फोर फाउंडेशन से मिला था अमेरिका से। तो इस अवार्ड के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। और कितने पैसे आपको पुरस्कार के तौर पर दिया गया? 4-5 लाख के करीब था वो, बाहर की वो थी डॉलर, और वो आपने महिला समूह में दे दी। मेरे को लगा कि नहीं, ऐसे संघर्ष में ही पैसा खर्च होना चाहिए, कल में मैं अगर हो सकता है मैं मेरे बच्चों को अच्छा मकान बना के दे दूं, रहने के लिए गाड़ी दे दूं, तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि संघर्ष क्या होता है, मैं गांव में जाने लग गई। ऐसे कर करके हमने फिर एक
समूह बनाया, ग्रुप बनाया, अलग ग्रुप बनाया महिलाओं का, अजमेर अंचल करके उसका हमने नाम रखा, अजमेर अंचल ग्रामीण महिलाएं। वहां कई तरह की समस्या निकल रही थी। एक तो शहरी गांव को शहर बना रहे थे और योजना के तहत गांव को कुछ उजाड़ने की योजनाएं थी। तो फिर हमने 8 मार्च को इस पेरा फेरी से लड़ने के लिए और महिलाओं का संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक बड़ा कार्यक्रम रखा और उसमें हमने उन महिलाओं का एक ग्रुप बना लिया। और वो महिलाएं ऐसी थी, सब दलित महिलाएं थी। मतलब हमारी एक इतनी गांव में आसपास में इतनी अफवाह फैल गई कि हम लोग बहुत लड़ने वाले लोग हैं, जैसे कोई तोप है हमारे पास। तो ऐसे केस आने लग गए, तो हमको लगा कि हम कैसे सॉर्ट आउट करें ऐसे केसों को, कैसे निपटें इनसे। सरकार सुनती नहीं है, हमारी औरतों की कहीं पे भी सुनवाई नहीं है, घर में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने खुद ने निर्णय लिया कि अब जब जैसे हमको कहते हैं ना लोग कि भाई तुम कानून मत तोड़ो, तो हमको लगा कि तुम इतना कानून तोड़ रहे हो तो हम क्यों नहीं तोड़ेंगे भी? तो हमने ऐसी लड़ाई शुरू करी जो महिलाओं के जिसके बच्चे छीन लेते थे तो हम खुद जाके उठा लाते थे। हम जाते गाड़ी में 10-20 औरतें जाती बैठ के और हम बच्चा उठा के ले आते थे। अगर तो अब तुम केस लगा दो कि मेरा बच्चा माँ उठा के ले गई तो हम लड़ लेंगे कोर्ट में। हमने पहले ऐसे अनुभव किया था, हम कोर्ट में लड़ते थे बच्चा उठा के ले आते, बच्चा वो उठा के ले जाते थे, और हम केस करते थे तो लड़ने में हमको लंबा प्रोसीजर था, महंगा था, महिला टूट जाती थी, बच्चा बड़ा हो जाता था, बाद में मना करता मैं माँ के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो फिर हमको लगा कि ये तो अन्याय हो रहा, अब क्या करें। तो फिर हम खुद बच्चा उठा लाते थे, छोटे बच्चे को आज छीना और कल हमारे पास रिपोर्ट आई और हम कल जाके उठा लाते थे गाँव में। और मेरे को ऐसा ताकत मिलती गई जैसे बहादुर औरतें जुड़ती गई मेरे साथ। मतलब अभी इतने हमारे देश में ऐसी बहादुर औरतों की कमी नहीं है, उनको थोड़ा उभारने की जरूरत है, उनसे थोड़ा एक संघर्ष की बात करने की जरूरत है। तो ऐसे कर करके हमने और हमारी एक ऐसी ताकत बना ली जहां कभी पुलिस नहीं जाती थी उस गांव में जा करके, जहां कभी महिलाएं ठाकुर के गढ़ में नहीं जाती थी, सामंत का गढ़ होता था वहां महिलाएं जूते पहन करके वहां गढ़ में जाना, और हम डंडा लाठी रख के जाते थे गाड़ियों में और हमको लगता कहीं हमारे पे आक्रमण हो जाएगा तो हम भी मारेंगे सड़ों को। तो वाकई में आप लोग तोप से कम नहीं थी? बिल्कुल, समाज ने कहा गलत कर रही है, समाज की परंपरा तोड़ रही है। फिर मैंने समाज की परंपरा मैंने खुद ने भी बदला, फिर अपने आप को कैसे बदला? मैंने बदला कि मैं एक मतलब घूंघट में थी, घाघरा ओढ़नी में थी और मैंने घूंघट हटा दिया। मैंने कहा मैं पर्दा नहीं करूंगी, पर्दा करूंगी तो मैं लड़ नहीं पाऊंगी औरों के लिए, और सलवार कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। तो मतलब वो भी एक तूफान आ गया समाज में, और मेरे बच्चों के रिश्ता शादी नाता भी होने में दिक्कत आने लग गई। तो फिर मुझे लगा कोई बात नहीं होगी तो बच्चे चाहेंगे तो अपना आप ढूंढ लेंगे, इनको जरूरत होगी तो। पहले तो मैं आपको एक हग करूंगी जब तुम्हारे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरी मुलाकात स्त्री शक्ति के जरिए आपसे हुई है। और मैं भी दोस्तों, भवरी देवी की इस बात पर हमने कई जानी मानी हस्तियों से बात की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। भवरी देवी ने लाइफ में जो कुछ भी देखा है, मतलब उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के मामले में नहीं, खुद अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव आए, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सिर्फ अपने भले की नहीं सोची या ये नहीं सोचा कि अगर मेरे बच्चों के साथ और मेरे साथ बुरा हुआ है तो जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है। उन्होंने लोगों का भला सोचा, जनहित के बारे में सोचा और उसमें एजुकेशन सोचा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सही रास्ता दिखाने के लिए जिंदगी में। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमें जिंदगी में कितने भी उतार आ जाए, चढ़ाव तो एक भी शायद उन्होंने देखा नहीं, हिम्मत नहीं खोनी चाहिए और हमेशा कैसे उसे बेहतर कर सकते हैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए, ये सोचना चाहिए। गांव में जिस महिला के साथ समाज ने छुआछूत के नाम पर भेदभाव किया, उस महिला ने अपनी नेक नियत और मेहनत से बहुतों का दिल कैसे छुआ, जानिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो दलित टीचर जाकर के उसको बढ़िया के मटके में से पानी पीता था। मैंने उसको कहा तुम पियो जाके, तो वो टीचर भी रोज जाके उसमें पीता और वो रोज फोड़ता था। तो उसको कहा कितने दिन फोड़ेगा तू, मैं रोज। बुराई से जन्म लेता है अहंकार, तो भलाई जन्म देती है हिम्मत को। भलाई के हर काम के बाद कुछ और हिम्मती होती गई हमारी आज की स्त्री शक्ति भवरी देवी। भवरी जी, छुआछूत, पिछड़ी हुई मानसिकता, इसके पीछे अशिक्षित होना एक बहुत बड़ा कारण है,
तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को हमेशा रोका गया है कि ये शिक्षित ना हो, तो ऐसा क्यों है हमारे समाज में और आप इसके लिए क्या कर रहे हो? एक तो पहला आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये शिक्षा ही कारण नहीं है छुआछूत का। कई पढ़े लिखे अफसरों के अंदर भी मैं छुआछूत महसूस करती हूँ। जैसे एक दलित टीचर था और एक बनिया टीचर था, तो बनिया अपना मटका अलग रखता था, तो वो दलित टीचर जाकर के उसको बनिया के मटके में से पानी पीता था। मैंने उसको कहा तुम पियो जाके, तो वो रोज मटका फोड़ता था बनिया, और चपरासी को बोलता दूसरा ला के रखो। तो ये तो पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोग थे, तो वो टीचर भी रोज जाके उसमें पीता और वो रोज फोड़ता था। तो उसको कहा कितने फोड़ेगा तू, मैं रोज पीऊंगा मैं। तो मतलब ये पढ़े लिखों के अंदर भी ये मानसिकता थी और है आज भी। जातिवाद शहर में भी है, ऊंच नीच शहर में भी है। हमने ये लड़ाई शहर में भी आके लड़ी, फिर हम चुप नहीं रहे। और जहां भी पेपर में आता था दूल्हा को घोड़ी पर नहीं बैठने देते, जो शादी होती है तो घोड़ी पर नहीं बैठने देते, मंदिर नहीं जाने देते, कभी पेपर में आ गया तो मैं उस गांव में पहुंच जाती थी और उनकी हेल्प करती थी कि तुम अकेले नहीं, इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। हालांकि जैसे मैंने गांव छोड़ा वैसे कई दलितों ने भी छोड़ा है, उनको वापस गांव में जाके हमने वापस स्थापित किया महिलाओं ने जाके, और हमने उस गांव में जाकर के चैलेंज दिया उन लोगों को, चुनौती दी कि ये आदमी अकेला नहीं है, इसके साथ हम हजारों लोग हैं। अब की बार इसके साथ मारपीट हुई तो हम पूरा गांव के साथ लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। दोस्तों सोचने वाली बात है कि इंसान आज चांद पर पहुंच गया है, लेकिन छुआछूत जैसी बीमारी जो है वो आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। भवरी देवी के जीवन से हमें सिर्फ एक ही बात सीखनी चाहिए कि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं और हमें ये छुआछूत ये भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भवरी देवी जी के लिए फिर से एक जोरदार तालियां। भवरी जी आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, लेकिन आप ही की तरह एक और महिला है जो अपनी सोच से पूरे समाज की सेवा कर रही है, उनका कल्याण करने का प्रयास कर रही है। आइए उनके बारे में देखते हैं। भारत में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो अनेक कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। 1995 से श्रीमती फरीदा लांबे द्वारा स्थापित प्रथम संस्था हमारे देश के ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। प्रथम की बुनियाद वैसे बम्बई से शुरू हुई और हम 20 साल से कार्यरत रहे हैं। मुझे लगता है हमारी एक उपलब्धि ऐसी है कि हम लोग एजुकेशन पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और अभी आजकल हम देश में ऑलमोस्ट 6 लाख बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। इस संस्था में उच्च दर्जे की शिक्षा कम से कम लागत में मिलती है। 10 साल में 50,000 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त किया है, उनको आजकल हमने स्कूल में डाला है, कुछ उसके उसमें से बच्चे कॉलेज में गए हैं, कुछ बच्चे अभी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे बैठ रहे हैं। प्रथम का लक्ष्य है अधिकतम बच्चों को शिक्षित करना जिनसे उनको अच्छी नौकरी मिल पाए। प्रथम की शिक्षिकाओं को उनके लक्ष्य और पाठ्यक्रम के विषयों में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इस संपन्न शिक्षा के साथ बच्चों में एक ठोस बुनियाद बनाई जा सकती है। 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर वो बच्चे बालवाड़ी में नहीं जाते होंगे तो उनके लिए बालवाड़ी हम लोग शुरू करते हैं। हमारी धारणा है कि बच्चों को लर्निंग टू लर्न, बच्चों खुद सीखे और खुद अपना उत्तर ढूंढे। हमारे देश को फरीदा जी जैसी स्त्री शक्तियों की आवश्यकता है जो भारत देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। भवरी जी आप हमें बताइए कि आपके साथ अब तक कितनी महिलाएं जुड़ गई हैं? जो हमने महिला पंचायत बनाई, जैसे समाज ने जाति पंचायत बनाई ना, जो उस रूल्स को तोड़ने के लिए हमने एक महिला पंचायत बनाई और हमारी महिला पंचायत जाकर बैठती है गांव में और वहाँ हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती जाती है, टूटती जाती है, कहीं निकल भी जाती है, कई ऐसी परिस्थितियां होती है हिम्मत हार जाती है, लेकिन गांव में जाकर के माइक लगा के बैठ गए हम गांव में हताई में और हमने उस महिला के बारे में या किसी के साथ कुछ बलात्कार हुआ तो उसको जाकर के उजागर किया कि इस गांव में इतनी ऐसी घटना घटी, इस गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई और हम महिलाएं इस आवाज को उठाना चाहते हैं और हम इस गांव में कोई ऐसे लोग हैं उनसे हम साथ चाहते हैं, हमारी लड़ाई में कोई साथ दे हमारा। तो हमको लगता है इस गांव में कोई अच्छे बंदे नहीं है क्या, तो उनको लगता है कि अरे हमारे गांव की तो बेइज्जती हो रही, तो कई सारे ऐसे लोग आगे आ जाते थे, जुड़ जाते थे। वो कहते थे अरे इस लड़ाई में तो हम साथ हैं, तो उस औरत की वहां हिम्मत बढ़ जाती और उसको एक ताकत मिल जाती थी उस गांव में। मतलब इस तरीके की हिम्मत मुझे अगर गांव में मिलती तो मैं शायद गांव नहीं छोड़ती थी,
लेकिन मुझे ताकत नहीं मिली, गांव से ताकत मिली महिलाओं से, उन्हीं की औरतों से जो मेरे को मारपीट कर रहे थे, रोज मेरे साथ अन्याय कर रहे थे, उनकी औरतें मेरे को सपोर्ट कर रही थी, उनकी औरतें मुझे खाने के लिए घर में मेरे अनाज रख जाती थी। जब आपको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, उन्होंने कहा तुम खाने की वजह से गांव मत छोड़ना, खाने को चोरी छुपे, चोरी छुपे गेहूं रख जाती थी, घी तेल रख जाती थी, मेरे को पैसे की जरूरत पैसे दे जाती थी। तो अभी लगभग कितनी महिलाएं आपके साथ, आपको अंदाजे से कितनी जुट गई हैं आपके साथ? मतलब मैं अंदाजा क्या बताऊं कि मैंने टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर तीन डिस्ट्रिक्ट में काम किया मैंने, तो मैं बताऊं कि हजारों महिलाएं हैं विस्थापित महिलाओं के साथ, किया हजारों महिलाएं हैं मेरे साथ। भवरी देवी के जिंदगी के कुछ और पहलुओं को जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। औरत होने का अधिकार क्या है, एक इंसान का अधिकार क्या है, एक इस देश का नागरिक होने का अधिकार क्या है, इस नागरिक होने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और आपके क्या प्रिविलेजेस हैं, ये सिखा। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। दोस्तों आज की हमारी स्त्री शक्ति हैं भवरी देवी जी। भवरी जी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया है, शिक्षा की अहमियत पर और रोशनी डालने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के एक्सपर्ट एक्शन एड रीजनल मैनेजर नीरजा भटनागर जी को। नीरजा जी, सबसे पहले स्त्री शक्ति के मंच की तरफ से, परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आई, अपना कीमती वक्त निकाला। नीरजा जी, बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में है, जैसे बलात्कार है, घरेलू हिंसा है, छुआछूत है, आपको क्या लगता है कि शिक्षा इन चीजों को खत्म कर सकती है? शिक्षा आपको सही और गलत बता सकती है, लेकिन ये जो बलात्कार है, ये कुरीतियां की जो बात कर रहे हो, ये जो औरतों को या लड़कियों को एक दूसरा दर्जा देने वाली जो बात है समाज में, ये शिक्षा से परे है, ये समाज की एक मानसिकता है। औरत को सेकेंडरी लेवल पे ही रखना है, उसको दूसरे दर्जे पे ही रखना है, और अगर उसको शिक्षा मिल जाएगी तो उसको सब समझ में आएगा, उसके अपने बारे में उसको समझ में आएगा, उसको अपने अधिकारों के बारे में समझ में आएगा। अगर वो शिक्षा ले लेती है तो वो कल को नौकरी करके वो कमाएगी और उसका जो बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता उसको मिलेगी, और जब अगर आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी तो वो अपने आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगेगी, और तब शायद कहीं पितृसत्ता को डर लगता है कि हमारी कोई कदर नहीं होगी समाज में, तो इसलिए इसको शिक्षित नहीं करना है। तो ये जो, और जहां तक बलात्कार की बात है, बलात्कार इस माइंडसेट से होता है कि अगर किसी औरत को आगे बढ़ने से रोकना है तो सबसे पहले उसको उसका सेक्सुअल असॉल्ट करना है उस पर, क्योंकि औरत होने की सबसे बड़ी बात तो वही है, औरत और मर्द में अदरवाइज क्या फर्क है, फर्क तो यही है ना कि हम हमारी सेक्सुअलिटी अलग है, आदमियों की सेक्सुअलिटी अलग है। तो उस एक औरत को अगर इंसल्ट करना है, एक औरत को अगर रोकना है, अगर उसको आगे बढ़, तो सबसे बड़ा औजार ये समाज या समाज के जो लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं कि उसकी सेक्सुअलिटी पे अटैक करते हैं जी, क्योंकि वो एक माइंडसेट है ना कि प्योरिटी इम्प्योरिटी, कि इसका रेप हो गया तो अब ये समाज से निकल गई, अब ये खराब हो गई। अब शक्ति मिल रेप के हिसाब देख लीजिए, उसमें उस लड़की ने हिम्मत रखा, सो वॉट, अगर मेरा रेप हुआ है तो क्या होगा, उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो आगे बढ़ी, तब जाकर के विक्टिम को पहचाना, तब जाकर के कन्विक्शन हुआ। लेकिन इतनी सारी चीजें कितने लोगों के दिमाग में है, ये लड़की पढ़ी लिखी थी, ये एक्सपोज थी, ये सब कुछ जानती थी, तो शी टुक दैट डिसीजन, उसने वो जिम्मेदारी ली कि हाँ कोई बात नहीं ना, रेप हुआ है उसमें मेरी गलती नहीं है, कोई अपनी सेक्सुअलिटी मेरे पे इन्फोर्स कर रहा है, उसमें मेरा कोई पावर इस्तेमाल कर रहा है ना इंसान अपना। तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जो समाज है हमारा, मानसिकता, समाज की जो मानसिकता है, नहीं, जो हमारा समाज है, क्या वो शिक्षित महिला से डरता है? यस, वो किसी भी इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट औरत से डरता है, वो शिक्षित हो जाएगी तो इसकी आवाज बढ़ जाएगी, सोचने लगेगी, अपने बारे में डिसीजन लेने लगेगी, क्योंकि जब कंट्रोल नहीं रहेगा तब उसके ऊपर। भवरी जी, आप इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? शिक्षा तो जरूरी है ही, बहुत जरूरी है शिक्षा तो, लेकिन कैसी शिक्षा, हम क्या सोचते हैं शिक्षा, किताबी ज्ञान क्या सिखाता है हमको, और हम समाज के बारे में क्या सोचते हैं? वो किताब नहीं देती हमको वो ज्ञान जो समाज के बारे में सोचना चाहिए, जो परंपराओं को तोड़ना चाहिए, वो हमको किताब में कभी नहीं सिखाते हैं। और आप जीती जागती मिसाल है उसकी, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी लेकिन फिर भी जो आपकी सोच है वो बहुत अलग है और बहुत आगे है। नहीं, मैं ऐसे कभी कभी मुझे दुख भी होता है कि बहुत एम ए बी ए पढ़ी हुई लड़कियां मेरे साथ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। मतलब मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन कानून को मैंने समझ भी लिया
और मैं जो कानून का रखवाला है उनके छाती पे चढ़ जाती हूँ जाके कि मतलब मैं उनको डराती हूँ, मतलब तुम पढ़े लिखे हो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हूँ मैं, तो उनको लगता है कि वास्तव में ये पढ़ी लिखी है, उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, या तो मेरे पे केस लगाएंगे मुझे तोड़ने के लिए, मुझे मेरे पे केस भी चल रहे हैं, लेकिन उससे हमने हिम्मत नहीं आ रहा, हमने मेरे पे केस लगा था, हमने 1000 औरतों ने जाके उस थाने को घेरा और उस थाने में उसी SHO के खिलाफ उसने ही रिपोर्ट लिखी, तो एक पहला अजमेर में एक पहला रिकॉर्ड था कि उसी थाने में और उसी थानेदार के खिलाफ उसने रिपोर्ट लिखी और उसको लिखना पड़ा कि महिलाओं की ताकत के आगे उसको झुकना पड़ा, तो वो कहीं किताबी ज्ञान में नहीं है वो चीजें, वो हमको एक संघर्ष से दिशा मिलती है, संघर्ष से दिशा मिलती है हमको और एक महिलाओं की ताकत दिखती है हमको कि मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ हजारों औरतें हैं, और मतलब पढ़े लिखे वकीलों ने हमको समर्थन दिया, वकीलों का बाहर ने मुझे कहा कि मैम आपने बहुत अच्छा संघर्ष किया थाने में और हम आपका केस फिर लड़ेंगे, तो मुझे वकील करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे करते आप ऐसे, हम सब करेंगे, सब करिए ऐसे। शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारे स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट को सबको समान शिक्षा देना ये उनका। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। नीता जी आप मुझे बताइए कि ये जो किताबी ज्ञान से निकलकर हम कैसे शिक्षा दे सकते हैं, कैसे सोच बदल सकते हैं लोगों की? अब अगर किताब भी देखिए, पता नहीं आजकल की किताबें स्कूल की किताबें कैसी हैं, मैं बहुत दिनों से देखी नहीं हूँ क्योंकि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, लेकिन जब मैं पढ़ती थी या जब मैं अपनी बच्ची को पढ़ाती थी तो मैं देखती थी किताबों में ये लिखा रहता था कि पापा ऑफिस जाते हैं, पापा घर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मम्मी खाना बनाती है। तो ये जो औरतों का जो ये रोल डिफाइन किया हुआ है ना, शिक्षा में वो बदलाव लाना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि माँ ही खाना बनाए और माँ न्यूज़पेपर ना पढ़े और माँ ऑफिस नहीं जाए। वो जो एक सोशल जो कंडीशनिंग है ना दिमाग में कि माँ नहीं पढ़ेगी, तो वैसे ही कंडीशनिंग अगले जनरेशन में जाएगी कि माँ भी यही सोचेगी और बेटी को नहीं पढ़ाएगी। ओके, फिर बेटी भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब जिन घरों में ये डिसीजन ले लिया है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, आप देखिए वहां उतनी वो बातें नहीं है, वहां कुछ वहां का दृश्य कुछ थोड़ा बेहतर है। शिक्षाओं में हमेशा हमें को ये नहीं सिखाना है कि किस राजा ने कितनों को मारा और कितनी बड़ी चीजों को हासिल किया। शिक्षा में ये पढ़ाना है कि हमको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, रिस्पेक्ट किसको कहते हैं, औरत होने का अधिकार क्या है, एक इंसान का अधिकार क्या है, एक इस देश का नागरिक होने का अधिकार क्या है, इस नागरिक होने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और आपके क्या प्रिविलेजेस हैं, ये शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा हमको किसी के हारने की, जीतने की, बदलाव की, भेदभाव की नहीं होनी चाहिए कि कोई छोटी जात का है तो उसके ऊपर जमींदार का हक बनता है, नहीं, ये शिक्षा में हमको कहानी में भी नहीं बताना है, प्रोज में भी नहीं बताना है जी, हमको शिक्षा में ये बताना है कि समाज कैसे सही होगा, तो वो शिक्षा होती है, ऊंच नीच नहीं होएगा, औरत लड़कों में भेदभाव नहीं होगा, ये करिकुलम में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप एक तरह से देखा जाए, जिस जो आप कह रही हैं उसमें ये भी बात छिपी हुई है कि हमें अपनी बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ अपने बेटों को भी शिक्षा देनी, हमको बेटों को कहना है कि आप वो जो उस तरह का जो मैस्कुलिन मर्दानगी वाली बात नहीं है, आप एक इंसान हो और जैसी बेटी है वैसे आप हो, अगर वो घर में खाना बनाती है तो आप भी घर में काम कर सकते हो, और अगर आप रात में देर से आ सकते हो तो वो भी रात में देर से आ सकती है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो तो वो भी अपने उसको भी हक है अपनी सहेलियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ जाने का। ये जो सारे जो भेदभाव है लड़के लड़कियों में, ये नहीं, हर माँ की ये ड्यूटी होती है कि ना करे, और बेटियों को रोकने से ज्यादा अपने बेटों को समझाएं। ये जोड़ना चाह रही हूँ उनकी बात में कि मतलब हम एक महिलाओं को क्यों जिम्मेदार ठहराएं कि महिलाएं अपने बेटा को समझाए या महिला अपनी बेटी को समझाए, मतलब ये दोनों की ड्यूटी होती है जी, कि मतलब वो ऐसे महिला के ऊपर डाल देते हैं ताकि तेरी बेटी तू समझाए इसको। अग्री, हाँ, ये गलत रास्ते पर जा रही है क्योंकि तुमने नहीं समझाया इसको, है ना, और बेटे को भी तूने नहीं समझाया। हाँ। तो मतलब ये ड्यूटी दोनों की होनी चाहिए। देखिए शिक्षा जो है ना वो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार के स्कूल होने चाहिए जिसमें कि
सारे बच्चे जा सके, चाहे अमीर के बच्चे हो चाहे अब बाकी जगह देखिए, दूसरे देशों में देखिए यूनिवर्सल स्कूल है, प्राइवेट स्कूल का सिस्टम कम है, तो वहां पे प्रधानमंत्री का बच्चा भी उसी स्कूल में जाएगा और एक सिटीजन का बच्चा भी उसी स्कूल में जाएगा। हमारे यहाँ जब एजुकेशन को इतना प्राइवेटाइज कर दिया है तो एजुकेशन हम शिक्षा को हम लोगों ने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है, जो ज्यादा फीस देगा वो शिक्षा लेगा और वो ज्यादा अच्छी शिक्षा लेगा, क्योंकि वो ज्यादा लेगा तो फिर वो उसी सबसे आगे बढ़ेगा। तो जब स्टूडेंट माता पिता हैं, अगर इनको अगर आप एक कस्टमर के हिसाब से देख रहे हो तो जो जितना अच्छा कस्टमर होएगा वो उतनी अच्छी चीज खरीद सकेगा। तो क्या ये इतने अच्छे कस्टमर हैं? अगर हमारी जो आर्थिक जो स्थिति है, जैसे भंवरी देवी जी ने बताया कि जो आर्थिक स्थिति है, क्या गरीब हमारा उतनी अच्छी एजुकेशन, जब एजुकेशन खरीदने की जब बात आ गई, जब मार्केट में चली गई ये बात, एजुकेशन मार्केट में चला गया, तो एक बिजनेस हो गया है। यस, तो ये हमको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारे स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट को सबको समान शिक्षा देना ये उनका काम है। इस बात के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। हमारा आज का सवाल है, भंवरी जी की महिला समिति का नाम क्या है? आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियां हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें, रूम नंबर 305, फेज 1, थर्ड फ्लोर, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या हमें streeshaktipost@gmail.com पर मेल करें। हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब है, शिवानी गुप्ता की पुस्तक का नाम है नो लुकिंग बैक, और हमारे विजेता हैं इंदर मीना मुंबई महाराष्ट्र से। नीजा जी आप यहाँ आई उसके लिए मैं स्त्री शक्ति के मंच से धन्यवाद देती हूँ आपको, थैंक यू सो मच। दोस्तों बहुत सारी बातें और करनी है हमें अपनी स्त्री शक्ति भंवरी देवी से, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे खुद मेहनत कर मत सोचो के पार पड़े ना मेरी, अरे सारी मिलकर दुखड़ो तोड़ो, सारी मिलकर दुखड़ो तोड़ो, सामो होनो पड़सी बिना चेत सको तो चेत जमानो आयो चेत। किस्मत बदल सकती है, बदलने वाला चाहिए, समाज सुधर सकता है, सुधारने वाला चाहिए, हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है, बस दिल में भंवरी देवी जैसा हौसला होना चाहिए। भंवरी जी आपसे मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन हमारी ऑडियंस है यहाँ पर, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती है। हाँ जी पूछिए प्लीज। क्या कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं भारत सरकार महिलाओं के लिए करे? मैं चाहती हूँ कि एक तो सुरक्षा का माहौल करे, और दूसरा चाहती हूँ कि समानता पूर्वक शिक्षा हो, तीसरा चाहती हूँ कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मैम आपका कोई सपना है जो अधूरा रह गया? महिलाओं के प्रति बदलाव देखना चाहती हूँ, जो भेदभाव है, जो एक बहुत वो समाज में बहुत दूरियां पैदा कर रहा है भेदभाव, मेरा ये सपना है कि वो इतनी दूरियां हैं तो नजदीकें आए। जितना भी भेदभाव है, जितना अन्याय है, जितना भूखमरी है, गरीबी है, उसमें समानता है, ये मेरा अधूरा सपना है। मैंने साइंस तो पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं साइंस पे विश्वास रखती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि इंसान मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ अगर ऐसा होगा तो मैं फिर इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए आऊंगी वापस। जोरदार तालियां इस बात के लिए। दोस्तों भंवरी जी ने समाज के लिए जितना भी काम किया है, आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। फाउंडर मेंबर हूँ भंवरी भाई के साथ में ही, मैं हमने मिलके ये संगठन बनाया है, और हम लोग जो है गांव की हो या शहर की बस्तियों की महिलाएं हैं, जो रिसोर्स पुअर महिलाएं हैं, हम लोग मिलके एक दूसरे के संघर्षों में मदद करते हैं। वो संघर्ष चाहे निजी जीवन के संघर्ष हो या सार्वजनिक जीवन के एक नागरिकता के अधिकारों से जुड़े संघर्ष हो, हम बिजली पानी की लड़ाई हो, सड़क लाने की लड़ाई हो, या बच्चियों को स्कूल भेजने का सवाल हो, या अपनी जिंदगी में घरेलू हिंसा काफी महिलाएं सहती हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग मिलकर एक दूसरे के संघर्ष को मदद करते हैं। हम चार बहने थे गांव में, हमारे भाई नहीं था, पिता एक्सपायर हो गए थे। पिछले 22-23 साल पहले हमारी माँ के साथ में परिवार वालों ने मिलजुल के अच्छा झगड़ा किया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, ये भंवरी भाई को साथ लिया।
भावरी बाई ने अपने संगठन के साथ माँ को वापस गांव में छोड़ा। तब से लेके आज तक मैं भावरी बाई को जानती हूँ, पूरा परिवार जुड़े हुए हैं। उनकी एज इतनी हो गई है, सारी तकलीफें उनको है, घुटनों की, शरीर की, सारी बीमारियां, लेकिन फिर भी भावरी बाई सबके लिए लड़ने के लिए तैयार रहती है हर समय। जो पुलिस काम नहीं करती है वो भावरी बाई काम करती है हमारे। भावरी जी, जब आपके पास खाली समय होता है, अगर होता है, तो आपको क्या पसंद है करना? गाना गाते हैं। गाना गाते हैं आप? महिलाएं, जो हमारे महिला जन अधिकार समिति की महिलाएं हैं जी, मजदूर महिलाएं हैं, उन्होंने ये गाना खुद ने बनाया, रचाया। तो आप हमें गा के सुनाएंगे? बिल्कुल, चलिए। अरे राज करने से न्याय मांगियो, जल गया सारा बेरी। राज करने से न्याय मांगियो, जल गया सारा बेरी। अरे खुद मेहनत कर मत सोचो के पार पड़े ना मेरी। अरे खुद मेहनत कर मत सोचो के पार पड़े ना मेरी। अरे सारी मिलकर दुखड़ो तोड़ो, सारी मिलकर दुखड़ो तोड़ो, सामो होनो पड़सी बिना चेत सको तो। चेत जमानो आयो चेतने रो, मतलब एक लड़े तो कोई फर्क नहीं आया, और दो चार से भी फर्क नहीं आया, लेकिन सारे मिलके लड़े। और सरकार से न्याय मांगा तो सरकार ने उल्टा दमन शुरू कर दिया औरतों पे, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक दो से लड़ाई पार नहीं पड़ेगी, सारी मिलके सरकार से सामना करना पड़ेगा। तो कहा कि सारी मिलके दुख तोड़ो, ये सामो होनो पड़सी, मारवाड़ी भाषा में है कि आपको मुकाबला करना पड़सी। तो बिना चेत सको तो चेत जमाना है चेतन का। इसी गीत के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इतनी दूर से आई और हमारे स्त्री शक्ति के मंच की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। मैं आपका मंच को भी सलाम करती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, भवरी देवी जैसी महिलाओं के प्रयास तभी सफल होंगे जब हम में से हर एक इंसान शिक्षा के प्रति समर्पित हो। अगर हम ये ठान लें कि हम देश के हर इंसान को शिक्षित कराएंगे, चाहे उन्हें खुद पढ़ाकर या फिर पढ़ने के साधन उन तक पहुंचाकर, तो जल्द ही देश का हर नागरिक अशिक्षा के अंधेरे से शिक्षा के उजाले में कदम रख सकता है। शिक्षा आपको शक्तिशाली बनाती है, आपको अपने अधिकारों से अवगत कराती है, शोषण से आपको और आपके परिवार को बचाती है। हमारे संविधान के अनुसार भी देश के हर एक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा पाने का अधिकार है। इसलिए खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। इसी सुंदर सोच के साथ मैं श्रुति उल्फत आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे एक और मेहमान, एक और स्त्री शक्ति के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। वो बच्चा एक महीना बाद में बच्चा हुई, लड़के 6 महीना बाद में लड़का गुजर गई। वो मामी मेरे को दुश्मन समझाती, पापा को खा के आई, फिर दादी दादा नाना को खाने आई, ऐसी ऐसी मामी नहीं बोल रही। एक आग में जल गई और दूसरा का सुन लिया जी टीवी हो गया। मेरा बहुत दुखी है, बहुत मुश्किल से मैं बिंदा बना।